लेकिन स्क्रिप्ट रेडी है, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी कि जब लोग शुरू हो जाएं थिएटर्स में आने के लिए। तो दोस्तों, बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार की कई सारी मूवीज आने वाली है। अब इस मूवी में एक और मूवी का इजाफा हो चुका है। जी हां, अक्षय कुमार की सिर्फ 2024 में यानी इस साल चार फिल्में आ रही है। इसमें स्काई फोर्स, सरफिरा, वेलकम टू द जंगल और खेल खेल में मूवी शामिल है। ये रही 2024 में आने वाली अक्षय कुमार की मूवीज की लिस्ट। इसके अलावा हेरा फेरी 3, जॉली लिल बी 3, कर्मा हाउसफुल 5 जैसी कई सारी फिल्में आने वाली है। ऐसे में अब अक्षय कुमार को बहुत बड़ी मूवी का ऑफर मिलने वाला है या मिल सकता है। जी हां, दरअसल सिद्धार्थ आनंद ऋतिक रोशन की क्रिश 4 को डायरेक्ट कर सकते हैं। हाल ही में ऋतिक रोशन ने क्रिश 4 को लेकर एक बड़ा हिंट दे दिया है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि ऋतिक रोशन के क्रिश 4 को सिद्धार्थ आनंद ही डायरेक्ट करने वाले हैं। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन ने 3 साल पहले 2021 में क्रिश की चौथी किस्त पर अपडेट दिया था, लेकिन हाल ही में निर्माताओं की ओर से कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आया है। लेकिन इसी हफ्ते की शुरुआत में एक सोशल मीडिया पेज ने क्रिश के पोशाक में ऋतिक रोशन का एक पोस्टर अपलोड किया और कैप्शन दिया, वह आ रहा है। सिद्धार्थ ने इस पोस्ट का जवाब देते हुए कहा, हाँ वह है। सिद्धार्थ के जवाब से अटकलें तेज हो गई है कि क्रिश 4 को सिद्धार्थ डायरेक्ट करेंगे, साथ ही क्रिश 4 में अक्षय कुमार विलन का रोल कर सकते हैं। ऐसी सोशल मीडिया पर हल्की हल्की चर्चा शुरू है। पहले सलमान खान का नाम भी सामने आया था। अगर ऐसा सच में है तो भाई क्रिश 4 के विलन के तौर पर अक्षय कुमार से कोई और बेस्ट ऑप्शन नहीं है। अपने रोबोट 2.0 में अक्षय कुमार के अभिनय को देखा होगा तो आपको समझ आ जाएगा, क्रिश बॉलीवुड की सबसे सफल फ्रेंचाइजी में से एक है। साल की शुरुआत में मिड डे ने कहा था कि राकेश रोशन और ऋतिक रोशन आगामी फिल्म के लिए एक फ्रेश और इनोवेटिव कहानी लेकर आने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वही कहा जा रहा है कि क्रिश 4 की स्क्रिप्ट अपने फाइनल स्टेज में है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टीम अगले साल तक फिल्म की शूटिंग करने का प्लान कर रही है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्रिश 4 में विलन के रोल में अक्षय कुमार ही बेस्ट चॉइस है या फिर कोई और एक्टर, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी अक्षय कुमार के डाई हार्ट फैन है तो ऐसे ही अक्षय कुमार की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।